हाँ तो साथियों, हाँ साथियों, मैं आपके बीच में हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हाँ तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से नमस्कार। मैं कला शिक्षक अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में, एंड आप लोगों के बीच में जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहे हैं और हम एक दूसरे का ख्याल कैसे रखें, तो मैं मेरे मन में जो भी अभिव्यक्ति है मैं आपके बीच में लाया हूँ अपने रंगों के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि सब जहाँ भी हैं अपने अपना ख्याल रखें और लोगों के साथ सामाजिक दूरियाँ ना बढ़ाते हुए आप शारीरिक दूरी को ही दूर रखने पर ध्यान रखें। और जब आप अकेलेपन महसूस करते हैं, जब लोग आपस में घरों में रहते हैं और जब अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, तो अकेलेपन महसूस के साथ आप अंदर ही अंदर के अपनी खुशी को कैसे तलाश कर सकते हैं, तो उसके काफ़ी सारे ज़रिए दुनिया में मौजूद हैं। तो आप जब भी कहीं अकेले होते हैं तो अपने आपको रंगों के माध्यम से भी खुश कर सकते हैं, और अपने आप कभी भी ये ना सोचें कि हम लोगों के बीच में नहीं हैं। और आप अपनी दुआ, जिस तरीके से मैं भी लोगों को आपके लग रहा है कि अभिव्यक्ति पहुंचना चाहिए दूसरों के बीच में, मेरे बीच में जो मेरे पास जो कलर अभिव्यक्ति है वो आप तक पहुंचे और हम एक दूसरे को बता सकें कि आज हमें अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं। तो हम शुरू करते हैं, आपके जब भी काम के दौरान कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल भी आप रख सकते हैं और देखेंगे कि हम कैसे लोगों को। तो मेरा पूरा मकसद, इस अभिव्यक्ति को पूरा मकसद यही है कि हम सेफली लोगों को सुरक्षित रख सकें। आप देख रहे हैं कि हो तो रंगों को, जो भी आपकी दिमागी अभिव्यक्ति है उसको, हाँ
तो ऑयल पेस्टल को आप जिस तरीके से पकड़ते हैं, उस पकड़ने के साथ उसमें किस तरीके से उसको दबाना है और कैसे घिसना है, टोन्स कैसे क्रिएट करनी है, और ये आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। जब किसी भी दृश्य का परफेक्शन देना हो तो उसको
अभी आपको हमने इसका फर्स्ट टोन हमने इसमें क्रिएट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, और ये पेस्टल के थ्रू ही हम इसको कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना, मतलब ठीक से दिखाई दे रहा है जो हम कर रहे हैं। आपको थोड़ा लग रहा है कि कहीं दिक्कत आ रही है, पर पता नहीं है, मुझे महसूस नहीं हो पा रहा वो वीडियो जो बन रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि मैं हम किस तरीके से, जिस तरीके से हम अपने लॉकडाउन में थे और हम उस टाइम में बिल्कुल अपने घरों में कैद थे, सड़कों का ऐसा माहौल था कि हम अपने घरों से बाहर नहीं थे, सुनसान थी, लेकिन उस सुनसान सड़क के बीच में भी हमें अभिव्यक्ति का आभास होता था। तो Yes.
तो
हम सेकंड राउंड थर्ड राउंड हम कंप्लीट किए, आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि किस तरीके से मेरी अभिव्यक्ति आपके सामने है और हम अपने विजन्स को जो भी हमने देखा महसूस किया शहरों के बीच, वो हम अपनी कल्पना के माध्यम से या डायरेक्टली जो अवलोकन हुआ उसके माध्यम से भी हम अपने अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, तो खुश रखने की का माध्यम भी है रंग। और हम जब अपने आप को जब भी अकेला हों तो अपने रंगों से खेलने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही अपनी आपकी मन की खुशी मिलेगी और वो आपकी के जो विचार हैं वो भी दूसरों तक पहुंच पाएंगे। तो मैं अभी आप मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितना समय हो गया है, आप मेरे आपके मन में क्या सवाल हैं। तो साथियों आपके पास जो भी सवाल होंगे तो मैं उन सवालों को अभी जब लाइव ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को जवाबों को मैं दे पाऊं। और अगली बार हम फिर अपनी नई अभिव्यक्ति के साथ मिलेंगे और सभी लोगों के इस आज के इस रंगांगन अभिव्यक्ति के साथ एक प्यारा सा संदेश ये है, सभी लोग सब अपने लोगों के साथ आपसी तालमेल बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें और लोगों को मदद करें अपनी सुरक्षा के साथ। जब आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो लोगों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। इसी के साथ सभी लोगों को मेरा नमस्कार।